तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों, हम काफ़ी टाइम से मैथ्स करते हुए आ रहे हैं। तो हमने डोमेन का पढ़ा था मैथ्स में, पांच छः चैप्टर एटलीस्ट हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल लास्ट टॉपिक था हमारा। आज हम मैथ्स को थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। मैथ्स के अलावा भी हम थोड़ा फोकस करते हैं जीके की तरफ, ठीक है। तो देखो, जनरल टेस्ट जो आपका है, इसमें कई सारा सिलेबस है आपके पास, सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बहुत सारी बातें मिक्स है इसके अंदर। कई सारे टॉपिकों को मिलाकर एक टेस्ट बना, जीटी जनरल टेस्ट। अब उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपको उसमें हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा पोल के बारे में, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, थोड़ा सा करंट अफेयर्स जानना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको एक रीजनिंग भी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा इसके लिए मैथ्स का आना चाहिए। मैथ भी कहाँ तक के लेवल की, केवल क्लास टेंथ, जो भी बेसिक मैथ्स कह रहा हूँ मैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ, मोस्टली मैक्सिमम यहीं से काम चल जाएगा। तो अगर आपको इतना भी पार्ट क्लियर है, तब जाके आपको एग्जाम क्लियर होगा जीटी जनरल टेस्ट। तो अगर मैं मान लूँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा आपका देखो इस पर पकड़ कम है, ये दो टॉपिक आपके वीक सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अभी आप मेन फोकस करो इस पर, करंट अफेयर्स और एक मैथ्स, ये टॉपिक आपके स्ट्रांग है। इन तीन टॉपिक को अच्छे से फोकस करो, जिससे आपका जीटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप क्वेश्चन में सर 10 क्वेश्चन आपको ऑप्शन है, छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर आप पहले इन तीन टॉपिकों को अच्छे से फोकस कर लोगे, उसके बाद टाइम मिलेगा। और तीन और सौ चार इको भी तो कर सकते हो, इको भी अपने इलेवन में पढ़ा, ट्वेल्थ में पढ़ा, तो आपको नॉलेज है क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट बैंक, ये जो भी इतनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आप क्या देखना, केवल हिस्ट्री और एक पोल। अब रही बात करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में कम से कम लास्ट सिक्स मंथ, आपको कम से कम पिछले छः महीने तक के सारे जो डाटा है ना, न्यूज़पेपर वगैरह से, चाहे टीवी से, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, एटलीस्ट वो मैगजीन वगैरह से, वो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कम से कम छः महीने का, ठीक है ना। जो भी मेन मेन बात है, अब ऐसा नहीं फालतू चीज़ें, ऐसा नहीं सीरियल में ये हुआ वो हुआ वो सब नहीं। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, कंट्री के बारे में, फॉरेन कंट्री से रिलेशन है ना, कभी हम किस कंट्री में किसने कौन सा अवार्ड जीता, कौन सा अवार्ड नहीं जीता, जो भी चीज़ें हैं, फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती है। एंटरटेनमेंट का अवार्ड वगैरह, किसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो भी चीज़ें, क्रिकेट का, आईपीएल वगैरह जो चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स में आप सिक्स मंथ तक का मैक्सिमम तैयारी कर सकते हो। तो मोस्टली अभी आपका फोकस इन्हीं चार टॉपिक पर होना चाहिए, रीजनिंग, पोल नहीं, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और एक मैथ्स। और करंट अफेयर्स ऐसा, अगर रोज़ आप न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा देख रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट भी ना, मेन मेन बातें देख रहे हो, तो उन्हीं को लिख लो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब देखो, अब जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर हम ये मैथ करने वाले, मैथ्स भी। अब मैथ्स में कई टॉपिक है, ठीक है ना। मैथ्स के टॉपिक तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्लास सिक्स में देखा था आपने, सेवन में देखा, एट में देखा, पूरा मैथ्स भरा हुआ है। बेसिक तो वही है, सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, तो भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ शायद सिक्स या सेवन्थ में, मुझे याद नहीं है सही से, प्रॉफिट एंड लॉस, याद है कुछ। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि भाई आपके पास एक साइकिल है 2000 रुपये की, आपने 2000 खरीदी और आपने उसे 2500 में बेच दी, क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। और 2000 खरीदी और 1500 की बेच दी, क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ पर दो वर्ड मेन है, एक सीपी कॉस्ट प्राइस और एक एसपी सेलिंग प्राइस, याद रहेगा, जितने में खरीदा और कितने में बेचा, ठीक है। और एक बात को नोटिस करना, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कोई साइकिल खरीद के लाया किसी पार्टी से, तो वो बेचने वाला है और मैं खरीदने वाला हूँ, मेरे लिए वो क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, उसके लिए क्या है वो सेल। और मैं अगर उसे आगे सेल कर दूँ, तो कुछ तो प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा ना, तो मैंने सेल कर दिया, तो उसके लिए क्या बन जाएगा वो कॉस्ट प्राइस, और मेरे लिए क्या बन गया फिर वो सेलिंग। तो ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है ना, एक का सीपी दूसरे का वो एसपी, फिर दूसरे का सीपी दूसरे का एसपी, चीज़ें चलती रहती है, सेल परचेज। अगर मैं बात करूँ उसे दो पार्टी की, दो ही पार्टी है, एक का मान लो मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, इनके बीच एक डील होता है, ये सामान बेचता है, ये सेल कर रहा है, तो ये क्या बन गया, इसने क्या बेचा, जैसा मान लो ये खरीद के लाया था कोई भी साइकिल 1000 रुपये की, और उसने कितने का बेच दिया है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी,
कितने प्रॉफिट हुआ यहाँ पर चेक कर लो, 500, ये तो कॉमन से भाई, 1000 का लाया था, 1500 का बेच दिया, 500 प्रॉफिट कमा लिया। और अगर लॉस की बात करें तो लॉस में क्या होगा फॉर्मूला, CP - SP। सपोज 1000 रुपये का मैं लाया और उसे बेचा कितने में, 800 का बेच दिया, कितने का घाटा खाया हमने, 200 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करना, प्रॉफिट समझ में आया क्या होता है, लॉस समझ में आया क्या होता है। अगर हमसे बोलो भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ था, 500, CP कितने का है, 1000 इंटू में 100, 2020, 1010, 15%। भाई साफ शब्दों में दिख रहा है 1000 रुपये की चीज़ 1500 के बेची, कितना प्रॉफिट कमाया, 50% प्रॉफिट कमाया। तो जो भी प्रॉफिट निकलता है वो किस पर निकलता है, CP के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। SP क्या हमारा उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला नंबर 1, 1, 2 और फॉर्मूला नंबर 3। अब एक चौथा फॉर्मूला देखो, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100, ठीक है। लॉस कितना था, मैं चेक करो 1000 रुपये का सामान कितने बेच दिया, 800 का, कितने का लॉस हुआ मुझे यहाँ पर, 200 रुपये का, 200 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 100, 2020, 1010 गई 20%, कितना घाटा सहा हमने, 20%। तो देखो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें, बिजनेस में बात करें, कोई भी काम, वहाँ पर चैप्टर बहुत यूजफुल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज़ में क्या जानना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल आइटम, कोई शॉपकीपर है 1000 रुपये की जींस लाता है, क्या 1000 की बेचेगा भाई, कुछ एक्स्ट्रा में बेचेगा, क्या कमाना है उसे, प्रॉफिट कमाना है। अगर इतने की नहीं बेच पा रहा, कम की बेच पा रहा, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये चैप्टर बहुत यूजफुल है एवरी बिजनेस पर, हर ट्रांजेक्शन्स के लिए। एक बात नोटिस करो, बिल्कुल एक पढ़ना को मार्केट प्राइस, ये कौन सा प्राइस है, इसे बोलते हैं बच्चों MP। आपने टी शर्ट वगैरह खरीदी हुई, जींस वगैरह, उस पर ना एक प्राइस लिखा होता है, 2500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, वो क्या है उसका, मार्केट प्राइस। दुकानदार कहता है भाई इसका जो मार्केट प्राइस है 3000 रुपये, अब हम आपको 30% ऑफ दे रहे हैं। 3000 का 30% कितना होता है, 30% 900 रुपये, सिंपल। आपको कस्टमर दुकानदार ने क्या किया, 3000 में से 900 कम कर दिया, कितने का दिया, 2100 रुपये का दिया। क्या 900 रुपये का डिस्काउंट देने से उस दुकानदार को नुकसान हो गया, हाँ या ना, खुद सोचो। और आपको क्या लग रहा है कि सर मैंने 3000 की जींस 2100 में लिया, मैंने उसे लूट लिया, ठग लिया, बेवकूफ़ को बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस दुकानदार ने अपने जो टी शर्ट का ना प्राइस इतना ज़्यादा रख रखा था कि अगर डिस्काउंट भी दे देगा तब भी प्रॉफिट कमा लेगा, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, जो लिखा हुआ प्राइस है। ये मैं सोच रहा कि भाई उसमें से डिस्काउंट दे रहे तो घाटा आ रहा है, अरे घाटा नहीं है, वो 400-500 की चीज़ है, उसने अपना प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा जोड़कर कितने का दिखाया, 3000 का दिखाया, बात समझ में आ रही है। सपोज मैं आपसे फीस लेता हूँ 2000 रुपये, आपको मैंने फीस बता दी 5000, और 5000 में से 1500 कम कर दिए भाई, 30% ऑफ, आपको क्या लगेगा कि सर ने तो भाई 1500 कम कर दिए, कितना बचा, 3500 रुपये। बट खुद सोचो अभी कितना है, 2000, कितना ले रहा हूँ, 3500, फ़ायदा हुआ ना। तो यही बात है, तो हम अपने प्राइस को कुछ ज़्यादा बता के क्या कर, थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो एक टी शर्ट के ऊपर जो भी जींस वगैरह बना लेते हैं, है ना, सपोज ये जींस है कोई से भी, इसका जो MRP है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। सपोज मान लेते 3000 रुपये, ठीक है, और हमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे, इनटू में रेट अपॉन में 100, कोई दिक्कत, पक्का। तो एक बात नोटिस करना, मार्केट प्राइस जितना भी हो उसका रेट से अपॉन में 100 कर देना, क्या आ जाएगा इसका, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो भाई इतना डिस्काउंट हमने दिया है, और अगर मार्केट प्राइस में से मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। सपोज 3000 में से डिस्काउंट आपका 30% बोला था आपको मैंने, ठीक है, कितना होगा 30%, 900, कितना है, 2100। उस दुकानदार ने वो जींस कितने की बेच दी, 2100 की, क्या बोले मुझे हम, सेलिंग प्राइस। अब 2100 के अंदर उसका प्रॉफिट भी शामिल है और कॉस्ट भी शामिल है, चाहे वो 400 के लाया हो,
तो किस 400 के लाया होगा, 500 के लाया होगा, फिर रेंट वगैरह सब जोड़ जाड़ लेगा, लेबर की सैलरी सब कुछ मिला मिला के उसका वो जींस बैठ गई 800 रुपए की। और कितने की बेच दी उसने वो जींस? 2100 की। प्रॉफिट कमाया ना। तो हमेशा ध्यान देना, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। वो सेल प्राइस में लगता है। कोई डाउट आता है इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो, आप कहीं पढ़ना है मार्क अप परसेंटेज। सपोज मान लो आपका सीपी कितना बच्चा, सपोज 2000 रुपये, ठीक है? आपने इसे कितने में बेचा हो वो मैटर नहीं करता, सेलिंग प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उस जींस की जो वैल्यू है ना वो कितनी बता रखी है? एमआरपी बता दिया, सपोज मान लो 3000 रुपये। मार्क प्राइस कितना? 3000 रुपये। कस्टमर आता है कहते भाई 3000 रुपये की है, ठीक है? अब कितने में बेचते हो वो आप पर डिपेंड करता है, 10% डिस्काउंट देते हो कि 15% चल नहीं देते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 2000 से आपने कितना बताया? 3000 पे। तो आपका मार्क का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो? मार्क अप परसेंटेज देखो, ध्यान देना, एम पी माइनस सी पी अपॉन में क्या आएगा? सी पी इंटू में 100, ठीक है? 3000 में 2000 माइनस कर दो, 1000 अपॉन में 2000 इंटू में 100, 50%। क्या समझ में आया आपको यहाँ पर? कि सर 50% हम मार्क का परसेंटेज लेके चलते हैं, समझ में? तो मोस्टली जो कस्टमर दुकानदार होता है ना, इतना 50-60% लेके ही चलते हैं। अगर जो वो 1000 की जो चीज़ लेके आते हैं ना, तो सीधे सीधे 2000 का प्राइस दे देते हैं उसका, ताकि कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूँ तो तभी प्रॉफिट मिल जाए। 50 का आइटम लाएंगे सीधे बता देंगे 100 रुपये, फिर 10 रुपये कम कर देंगे कितना बेच देंगे? 90 का बेच देते हैं, फिर आप लोग खुश हो जाते हो। बस वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है ना? तो इसका क्या बोला जाएगा? मार्कअप परसेंटेज। और एक पढ़ना है आपको यहाँ पर, टॉपिक डिस्कस करना है सक्सेसिव डिस्काउंट। लगातार डिस्काउंट मिलता है इसमें दो बार। सपोज कोई एक आर्टिकल है 1000 रुपये का, कुछ भी हो सकता है, पहले कहता है भाई 10% डिस्काउंट, फिर कहता है 5% डिस्काउंट। तो पहले 10% कम कर दो उसमें से, 1000 का 10% कितना होता है? 100। कितना बचा? 900। माइनस कर दो, फिर 5% कर दो 900 का, तो 900 का 5% 45। क्या बोलेंगे इसे? 855। याद रहेगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट चाहे दो हो चाहे तीन हो, जितने भी हो, ऐसे करते हुए सॉल्व करते जाएंगे। पहले 1% डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट, फिर तीसरा डिस्काउंट, इसके लास्ट में जाके वो जो मेन अमाउंट आता है। अगर आप चाहते हो कि भाई अगर मैं इतना लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो उसकी ट्रिक समझो। एक ट्रिक भी है एक साथ निकालने के लिए, चेक करो कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 145 आया ना, ठीक है? 145 डिस्क्रिक्ट डिफरेंस अपॉन में 1000 इंटू में क्या करना है? 100। तो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो गई, ये कट के कितना आएगा? 14.5%। तो एक काम करो ना, दो डिस्काउंट बोलते हो 10% का फिर 5% का, कन्फ्यूजन होती है कस्टमर, बेचा परेशान होता है। एक काम करो, डायरेक्ट बोल दो 14.5% का ऑफ है, सिंपली, ठीक है ना? तो आपको दो डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारा अमाउंट 1000 से कहाँ पहुँच जाएगा? 855 पहुँच जाएगा। सिंपल वे में समझ में आया कि अगर दो डिस्काउंट अलग अलग दोगे तो टाइम वेस्ट होगा, कन्फ्यूजन होती है। एक डिस्काउंट बताओ, सिंगल डिस्काउंट, कस्टमर कहता है भाई दो मत बताओ, हमें बताओ फाइनली हमें पेमेंट कितनी करनी है। वो कहता है भाई 14.5% कम कर दो और पेमेंट कर दो। समझ में आया सिंपली? तो ऐसे क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखो फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहाँ पर आपका, एक्स प्लस वाई। अगर दो तरह का डिस्काउंट है, इसे मैंने एक्स माना और इसको वाई, प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को लगा देंगे, इससे हमारा एक सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो सिंपल फॉर्मूला याद करना है, एक्स प्लस वाई अपॉन में 100, सिंगल डिस्काउंट से काम चल जाएगा।